की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। हम लोग अगर पद 19 से पढ़ें तो वहां पर लिखा गया है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। उसने लिखा कि हम सब, क्योंकि इपिसों की पत्री में जो संदर्भ चल रहा था वो यहूदी और गैर यहूदी के बीच में था, यहूदी और अन्य जाति, तो दोनों अलग अलग थे। लेकिन उसने कहा यीशु मसीह ने उस अलगाव को मिटा दिया। अब यीशु मसीह के द्वारा यहूदी परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के द्वारा गैर यहूदी परमेश्वर के पास में आते, तो हम उसके पास में आए, और जब हम उसके पास में आए तो मानो हम एक छोटा पत्थर के रूप में आए और एक नींव के ऊपर में रखे गए, जिसके जिसमें नींव के रूप में है प्रेरित और भविष्यवक्ता, और फिर जिसके कोने का सिरा है यीशु मसीह, और हम भी उसी में पवित्र मंदिर बनाए जाते हैं। पद 21 कहते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती। सारी रचना एक साथ मिलकर, अर्थात क्या यहूदी, क्या गैर यहूदी, क्या मैं, क्या आप, जितने भी यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सारे लोग मिलकर कितने मंदिर बना रहे हैं? एक मंदिर। और लिखता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यह अनुवाद बहुत अच्छा नहीं है, उसका इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो लिखता है कि जिसमें तुम भी ऐसा बनाए जाते हो जिसमें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा वास करता है। मतलब मंदिर अगर बन रहा है तो मंदिर खाली तो नहीं होगा, परमेश्वर अगर कुछ मंदिर बना रहा है तो खाली तो नहीं होगा, कम से कम परमेश्वर वहां निवास करेगा। यहां तक कि अन्य जाति भी जब मंदिर बनाते हैं तो उसमें अपने देवताओं को रखते हैं। सो परमेश्वर अगर एक मंदिर बना रहे सारे विश्वासियों को मिलाकर, तो ऐसा नहीं होगा कि वो उसकी उपस्थिति से खाली रहे, तो इसलिए उस मंदिर में वो अपने आत्मा के द्वारा निवास करता है। तो कुल मिलाकर दो बातें हैं, हम सब जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सब विश्वास करने वाले मिल करके परमेश्वर का एक मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा वहां पर निवास करता है, इसलिए हमारी एकता बहुत महत्व रखती है। लेकिन सिर्फ एकता में भी बात नहीं है, परमेश्वर चाहता है व्यक्तिगत रूप से हमसे डील करे, इसलिए वो हमारे शरीर को भी अपना मंदिर बनाता है और वो हमारे भीतर में भी निवास करता है। हालेलुया, हमारे भीतर में निवास करता है। सो हमारे भीतर में निवास करने में दो चीजें हम लोग देखें, जब यीशु मसीह आए धरती पर उत्पन्न होकर के, उसी समय से पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके साथ में रही, और जब यरदन नदी पर आए तब पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नहीं उतरा, और हमारे जीवन में भी उसी रीति से होता है। जब हम नया जन्म पाते हैं हम उसके मंदिर बन जाते हैं, वो हमारे भीतर में आता है, लेकिन वो चाहता है कि एक ऐसा समय आए जब वो हमारे ऊपर उंडेला जाए। जब चेलों के ऊपर में पवित्र आत्मा उंडेला गया तो वचन में हमने पढ़ा कि वे पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज हम लोग उससे आगे की बातों को देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा के साथ हमारा इस रीति से संबंध है तो हम लोग उस संबंध की गहराई में कैसे जा सकते हैं, और उस संबंध की गहराई में कौन कौन सी बातें, तो जो बातें हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 8 और उसके पद 14। यहां पर लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा और हमारे संबंध में एक बात आती है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना, अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी की अगुवाई करता है, हर एक विश्वासी को प्रेरित करता है। देखिए पवित्र आत्मा के काम करने और दुष्ट आत्मा के काम करने में बहुत अंतर है। पवित्र आत्मा को जब कुछ काम कराना होता है हमको, तो वो हमको प्रेरित करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमको उभारता है। लेकिन दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं करती। दुष्ट आत्मा को कुछ कराना होता है किसी में घुस जाती है, और अगर वो नहीं भी चाहे तो भी उसको कराती है।
तुम गोल गोल घूमो, ऐसे करो, बहुत कुछ करो, लेकिन पवित्र आत्मा किसी को दबाव देकर काम नहीं करवाता है। पवित्र आत्मा हमेशा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमेशा प्रेरित करता है, उभारता है, और जब हम उसको सहमति देते हैं उस बात में, तब जाकर हम उस काम को करते हैं। सो पवित्र आत्मा आपकी भी अगुवाई करता है। आने वाले दिनों में हम लोग इस बात को सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज अर्थात अभी तो पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुन सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अगुवाई पा सकते हैं, हम सही दिशा पा सकते हैं। जब निर्णय लेने का वक्त आता है, हम सही निर्णय ले सकते हैं, और जब वो अगुवाई करता है, प्रेरित करता है, तो उसमें अपनी आवाज के द्वारा भी हमें प्रेरित करता है। उसको हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रत्येक जन को वो अगुवाई करता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह की अगुवाई की थी। ठीक है, यीशु मसीह के साथ हम लोग समानांतर चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा का जैसा संबंध था, हमारे साथ भी वैसे ही होगा। और इसलिए कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की अगुवाई की थी, पवित्र आत्मा विश्वासियों की भी अगुवाई करता है, वो हमको प्रेरित करेगा। कई बार हम उसको इस रूप में महसूस करते हैं कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए उसके द्वारा, तो फिर हमको लालसा जगी कि हम भी वैसे करें। उसी प्रकार शरीर की पांचों इंद्रियों से जो जानकारी लेते हैं, तो शरीर के अनुसार हम चलते रहते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि हर बातें पाप की ही होंगी, लेकिन पाप की हो सकती है, क्योंकि शरीर पाप को आकर्षित करता है, या पाप शरीर को आकर्षित करता है। तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम लोग जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तो यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया, मार डाला गया, लेकिन इस शरीर के होने के वजह से वो परीक्षा आ सकती है। तो सवाल उठता है कि हम परीक्षा पर जय कैसे पाए। जब हमारे सामने परीक्षा आए, तो परीक्षा पर जय कैसे पाए, तो उसका जवाब ये है कि हम जब मनुष्य हैं, हम ये चुनाव कर सकते कि हम आत्मा के अनुसार चले या आत्मा में चले, या हम ये चुनाव कर सकते कि हम शरीर के अनुसार चले। तो जब हम शरीर का चुनाव करते हैं, तो हमने गलत चुनाव किया, लेकिन अगर हमने आत्मा का चुनाव किया, तो हमने सही चुनाव किया, क्योंकि अगर हम अपनी आत्मा का भी चुनाव करें, तो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक है, इसलिए वो सही निर्णय देगा। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक विश्वासी अगर अपनी आत्मा की भी सुने, तो वो सही फल प्राप्त करेगा। लेकिन आमतौर पर लोग शरीर का चुनाव कर लेते हैं, और जब शरीर का चुनाव कर लेते हैं, तो क्या होता है? पद 19 बताता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। शरीर के काम तो प्रकट है, जब हम शरीर को चुन लेते हैं, तो ये सारे काम प्रकट हो जाते हैं। इसलिए उसने कहा कि आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी। मतलब आत्मा का जो स्वभाव है, जो आत्मिक स्वभाव हमको दिया गया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला है, वो स्वभाव पवित्र है, वो स्वभाव धर्मी है, वो स्वभाव सिद्ध है, वो हमको सही दिशा की ओर ले जाए। लेकिन जो शरीर है, वो गलत दिशा की ओर ले जाता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी है ना, एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हम दोनों के साथ तालमेल करके नहीं चल सकते। अगर चलना होगा तो या तो इसको चुने या तो उसको चुने, दोनों के साथ एक साथ नहीं चल सकते। तो उसने कहा कि आत्मा को चुने, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम सही दिशा में चले। और जब हम सही दिशा में चलते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा का चुनाव करते हैं, तो कौन से परिणाम प्रकट होते हैं? पद 22 को देखिए, लिखता है, पर द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ, वह सारे सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। ऑल ट्रूथ, इसका मतलब है कि वो हमारे जीवन के किसी किसी खास खास मौके पर आकर के सिर्फ अगुवाई करेगा, ऐसी बात नहीं। ऑल ट्रूथ मतलब वो हमेशा हर परिस्थिति में, हर बातों में वो संबंध रखना चाहता है। हमारे जीवन की छोटी से छोटी घटना में, बड़ी से बड़ी घटना में, सब बातों में वो आकर क्या कहता है, मार्ग बताता है, और जो कुछ पिता से सुनता है वही कहता है। इसका मतलब है कि जब पवित्र आत्मा प्रेरित करता है, तो हो सकता है हमको लगे कि बेवकूफी की बात होगी, या हो सकता है कि लगे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन हमको चुपचाप कर देना चाहिए, क्योंकि वो पिता से सुन करके बता रहा है, और जो कुछ वो बता रहा है वो सही बता रहा है, क्योंकि वो सब सत्य का मार्ग बता रहा है। और वो कहता है कि वो आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। जब हम उसको ध्यान देंगे, तो पवित्र आत्मा हम लोगों को आने वाली बातों को भी बताएगा, जो हमारे जीवन के लिए होने वाली। आने वाले समय में हम लोग भविष्यवाणी के वरदान के विषय में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो वरदान कुछ और बात है,
और यहां पर आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, ये कुछ और बात है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता है। वो आपको पहले ही बता सकता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। भविष्यवाणी का वरदान दूसरे के विषय में संबंध रखता है, उस वरदान के द्वारा हम दूसरे के विषय में बताते हैं, परंतु ये जो ऐसा ये जो बात है ये हमारे विषय में है कि वो तुम्हें बताएगा, अर्थात मुझे बताएगा मेरे जीवन से संबंधित बात, आपको आपके जीवन के आने वाली बातों को बताएगा। तो प्रत्येक जन को उनके जीवन के आने वाली बातों को बता देगा। तो सोचिए कितना अच्छा होगा अगर वो आने वाली बातों को हमको बता दे, तो हम उसको सोचकर पहले ही चल जाएंगे, है ना। उसने वो हमको बता दे कि वहां पर खतरा है, तो हम रास्ता बदल ले। वो हमको बता दे कि ऐसा होने वाला है वहां पर, तो हम उसी रास्ते पर चले जाएंगे जहां पर हम भरपूरी को देखें। तो वो इस काम के लिए हमारे साथ रहेगा और कहता है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि मेरी बातों में से लेकर बताए। पवित्र आत्मा कभी भी किसी व्यक्ति को वचन से परे अगुवाई नहीं करता है। यीशु मसीह का वो मेरी बातों में से लेकर बताए, मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है देहधारी रूप में, और जो उसका वचन है लिखित रूप में वह ये है। उसने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो वचन से बताएगा। तो पवित्र आत्मा जब अगुवाई करेगा तो वो हमेशा आपको वचन के मुताबिक ही अगुवाई करेगा, वैसी अगुवाई नहीं करेगा जो वचन से तालमेल नहीं रखती है। और इसीलिए हम लोगों को वचन समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम जान पाए कि पवित्र आत्मा ही अगुवाई कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो हमको लगेगा कि अच्छा पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, और पता चला जो बात हम सोच रहे थे कि वो अगुवाई कर रहा है वो तो वचन के खिलाफ है, और हमने सोच लिया कि वो अगुवाई कर रहा है और गलत रास्ते में चले। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं समझते हैं तो हम जान जाएंगे कि वाकई में पवित्र आत्मा ही अगुवाई कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को प्रेरित करने लगे, प्रेरणा आने लगे कहीं से कि जाकर अपने बेटे का बलिदान कर दो, तुम्हारे घर के उधर में जो पहाड़ है वहां जाकर अपने बेटे का बलिदान कर दो, है ना। बैकअप के लिए बाइबल में से वचन भी निकाल के दिखा दिया जाए कि देखो अब्राहम को भी ऐसे किया था, तो क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं। तो ये अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होगी, क्योंकि वो बलिदान की प्रथा अब समाप्त हो गई, उसको यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, अब किसी और बलिदान की जरूरत ही नहीं है, है ना। इसलिए पवित्र आत्मा किसी को उस रूप में अगुवाई करेगा ही नहीं। लेकिन अब्राहम के समय में वैसा नहीं था, इसलिए उसको अलग से अगुवाई दी गई, उसको दृष्टांत के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब उस दृष्टांत की जरूरत ही नहीं, जब मूल वस्तु आ गई तो दृष्टांत की क्या जरूरत है, है ना। जब तक लोग बच्चों ने बाघ नहीं देखा है तो हम तस्वीर दिखाते कि देखो ये होता है बाघ, जब उसने बाघ देख लिया तब उसको तस्वीर दिखा के सिखाने की क्या जरूरत है कि ये है बाघ, जब मूल वस्तु उसने देख ली। तो मुख्य बलिदान जो असल बलिदान है वो आ गया, तब एक्स्ट्रा और दूसरा बलिदान की जरूरत ही नहीं, दृष्टांत की जरूरत। तो पवित्र आत्मा हमें प्रेरित नहीं करता है कि अपने बच्चों को जाकर बलिदान करें। तो हम वचन को जब सही समझते हैं तब हम अंतर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझते तब कंफ्यूज हो सकते हैं, तब लगेगा कि पता नहीं सही ऐसे ये बाइबल में भी जो लिखा हुआ है। लेकिन वचन के मुताबिक वह हमारी अगुवाई करता है, तो हमें वह हमेशा अगुवाई करेगा। और हम एक और पद पढ़ेंगे इसी 16वें अध्याय में, पद 22 में। यहाँ पर पवित्र आत्मा का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अर्थ वही है। और यहाँ पर कहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तुम्हें अभी शोक है क्योंकि मैं तुमसे अलग होने वाला, मैं क्रूस पर जाने वाला, मैं मरने वाला, दुख उठाने वाला, तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारे आनंद को कोई छीन नहीं सकता। मतलब ये जो आनंद दिया जाने वाला, ये बाहर से दिया जाने वाला आनंद नहीं। देखिए जब लोग अंदर से खाली होते हैं ना, तो लोग बाहर की चीजें इकट्ठा करके उसके द्वारा आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली, तो वो सोचता है कि शायद मेरा ऐसा घर होगा तो मुझे आनंद होगा, तो घर को वैसा बनाने की कोशिश करता है। फिर वो सोचता है कि अगर मेरी ऐसी गाड़ी होगी तो उसके द्वारा आनंद होगा, तो फिर उसके द्वारा कोशिश करता है। फिर वो सोचता है कि मेरे ऐसे कपड़े होंगे तो उसके द्वारा आनंद होगा, फिर वैसा कोशिश करता है। बाहर की वस्तुएं जुगाड़ करता है अपने चारों तरफ और सोचता है कि मैं इनके द्वारा अपने मन को आनंद से भरूंगा। जानते ऐसा क्यों? क्योंकि वो अंदर से खाली। लेकिन जो अंदर से भरे हुए हैं
वो बाहर की चीजें हो ना हो वो फिर भी आनंदित रहते हैं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की सहायता से बाहर की चीजों का भी वो आनंद ले लेंगे, लेकिन कभी भी उनका आनंद बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहेगा। और यीशु मसीह वही बात कर रहे थे, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, उसको कोई छीन नहीं सकता। मतलब बाहर की चीजों को तो कोई भी छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा आनंद ऐसा होगा कि भीतर की चीज पर आधारित होगा और उसको कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और यह आनंद से पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। तो जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते हैं, उसकी प्रेरणा को जानकर उसके साथ चलते हैं, तो वो आनंद हमें हमेशा बना हुआ रहता है। तो यदि आप अपने जीवन में आनंद को खोता हुआ पाए तो आप चेक कीजिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमने मिस किया, क्योंकि तब हमने आनंद को मिस किया है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आनंद है। जो आत्मा का फल हम पढ़ रहे थे उसमें था प्रेम, आनंद, ठीक है। तो आत्मा का परिणाम अर्थात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलने का परिणाम है आनंद। तो जब हम उसके अगुवाई के अनुसार चले तो आनंद बना रहता है। लेकिन अगर आनंद अलग होता हुआ मालूम पड़े तब तो हमको चेक करना चाहिए, ताकि अगली बार ऐसा ना हो। जो बातें पीछे बीत गई उसको जाकर के हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे कुछ सीख सकते हैं जिससे कि हम आने वाले समय में वो बातें ना दोहराएं। तो हमने जो बातें पवित्र आत्मा के विषय में सीखी वो है पवित्र आत्मा के चलाए चलना या उसकी अगुवाई में चलना। हम तीन बातों को टोटल सीखेंगे। अभी हमने पहली बात सीखी। दूसरी बात है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, ठीक है। इसको सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रेरितों के काम की पुस्तक में जाएं और उसका दूसरा अध्याय हम लोग सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा और हमारे संबंध के विषय में हमने सीखा किस रीति से वह हमारे जीवन में आता है। उसका आना दो प्रकार से है, और फिर जब वो आ गया तो उसके साथ हमारा संबंध किस प्रकार से होना चाहिए ताकि उससे हम मैक्सिमम लाभ ले सकें, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। तो उसमें सबसे पहला था आत्मा के अनुसार चलना। जितने उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, अर्थात वे लोग मैच्योर हो गए हैं। ग्रीक वर्ड है पुत्र के लिए ओइगोस, मतलब वो पुत्र जो मैच्योर हो गया ना। जो बच्चा है वो भी पुत्र है, लेकिन जो मैच्योर हो गया, जो उसके आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। अब हम दूसरी बात सीख रहे हैं, वह है पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाना। हम लोग सबसे पहले दूसरा अध्याय निकाले प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके दूसरे पद से वहां लिखता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लगता है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए, दे वर ऑल फिल्ड विद द होली गोस्ट। वे सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है कि हम अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर, इन तीनों भागों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, भर गए। मतलब जब हमने नया जन्म पाया है तो हम उसके साथ तो एक आत्मा हो गए, वहां तो हमारी सहभागिता है। वहां के लिए तो यीशु मसीह ने कह दिया कि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। लेकिन वो सहभागिता सिर्फ आत्मा में ना रहे ना, वो संबंध सिर्फ आत्मा में ना रहे, लेकिन वो हमारे प्राण में भी रहे। हमारे प्राण में अर्थात हमारे सोच विचार में भी रहे, हमारी भावनाओं में भी रहे, हमारी इच्छा में भी रहे, हमारी स्मृति में भी रहे, हमारे निर्णय में भी रहे। जो हमारा प्राण है, जहां से हम किसी बात के लिए निर्णय लेते हैं, जहां से हम इस दुनिया में एक्टिविटी करते हैं, उस भाग में भी रहे। क्योंकि निर्णय लेने वाले हम हैं और हम लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से कभी कभी निर्णय लेते हैं। हमको लगता है कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है और उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, इसलिए मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा, है ना, उसको मैं माफ नहीं करूंगा, या फिर मुझे उसने क्रोधित कर दिया तो उसको लेकर हम निर्णय लेते हैं, या फिर किसी व्यक्ति से मुझे प्यार है तो उसके मुताबिक हम निर्णय लेते हैं। तो हम इन सारी बातों से प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि वो सारी बातों में पवित्र आत्मा का प्रभाव हो जाए। हमारी भावनाएं ऐसी ना हो जो संसार से प्रभावित हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा से प्रभावित हो जाए। हालेलुया। कि हम पवित्र आत्मा से प्रभावित, दुनिया ने मुझसे क्या बर्ताव किया मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मैं पहले से जो हूं वही हूं, अब मैं वही व्यवहार करूंगा।
तुम मुझे सताते हो, तुम मेरे विरुद्ध में बुरा कहते हो, तुम मेरे विषय में क्या भी करो, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। और वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारी भावना उससे प्रभावित ना हो। वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारी भावना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण की जाए। तो हमारा प्राण, हमारा सोच विचार, संसार में इधर उधर घूमता फिरता रहता है, संसार में रहते हैं, संसार की बातों से प्रभावित होते हैं, तो हमारे सोच विचार भी पवित्र आत्मा के विचारों से भर जाए, हमारी भावनाएं पवित्र आत्मा की भावना से भर जाए, हमारी इच्छा पवित्र आत्मा की इच्छा से भर जाए। वो चाहते हैं कि हमारे प्राण भी परिपूर्ण किए जाए और हमारा शरीर भी परिपूर्ण किया जाए, क्योंकि ये शरीर ही फंदा बनता है ना, शरीर के द्वारा ही परीक्षा में पड़ जाते हैं ना, शरीर के हार्मोन उतार चढ़ाव हो गए और उसके बाद पता चला कि हम गिर पड़े। लेकिन वो चाहते हैं हमारा शरीर भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया जाए, ताकि हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे। हालेलुया। सो ये परिपूर्णता चेलों ने पहली दफा कब अनुभव किया? जब पवित्र आत्मा उन पर दूसरे रूप में उतर आए। उन्होंने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, तो उस उतर आने में बहुत सारी बातें थी, क्योंकि पहली दफा था, वो पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भर जाना एक ही बार की बात है, कि आज आप भर गए, अब खत्म, काम खत्म, अब आप लबालब रहते हैं। नहीं, लबालब नहीं रहते, संसार में रहते रहते वो जो भरा हुआ, भरी हुई स्थिति है, उससे हम नीचे स्थिति में आ जाते हैं, और जिसके वजह से बार बार हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चेलों के साथ में भी ये चीज रिपीट हुआ था। बार बार हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। हम लोग उसको पढ़ करके देख सकते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक, हमने देखा दूसरा अध्याय उसके 4 में वह पवित्र आत्मा से भर गए, और चौथे अध्याय उसके 31वें पद में देखिए, वहां पर लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। जब वे प्रार्थना कर चुके, ये चेले हैं, फिर से वही चेले, और वह स्थान हिल गया जहां वे प्रार्थना कर रहे थे, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अरे परिपूर्ण तो उसी दिन हुए थे जब पेंटिकॉस्ट का दिन था, फिर बाद में फिर वे क्यों परिपूर्ण हुए? क्योंकि ये परिपूर्ण होने की स्थिति बार बार दोहराए जाने की स्थिति है, ठीक है? पवित्र आत्मा का उतर आने की स्थिति एक ही बार की है, नए जन्म पाने की स्थिति एक ही बार की है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे जाने की स्थिति बार बार की स्थिति है, क्योंकि बार बार हम संसार में प्रभावित होंगे, संसार हम पर असर डालेगा, हमारे भावनाओं विचारों में सारी बातें आने लगेंगी, तब हमें फिर से चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए जाए। क्योंकि चेलों के साथ में क्या हुआ था, चेलों को बुला करके धमकाया गया था, उनको बकायदा वहां मीटिंग में, कचहरी में बुला के उनको नोटिस दिया गया, और बोला तुम लोग यीशु के नाम से दोबारा प्रचार नहीं करोगे, अगर करोगे तो तुम लोगों को जेल में डाल देंगे, है ना? ये सब सुनकर के कोई भी प्रभावित हो सकता है, और ऊपर से इन्होंने आकर के बाकी साथियों को बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तो मिलकर के उन्होंने प्रार्थना किया, है ना? उन बातों से हम कैसे छुटकारा पाए? नेगेटिव बातें, धमकी आ रही है, डर आ रहा है, हम कैसे सामना करें? मिलकर प्रार्थना करें, और जब प्रार्थना करें तो उत्तर कैसे मिला? वे पवित्र आत्मा से फिर से परिपूर्ण हो गए, और जब परिपूर्ण हो गए तो कोई फर्क नहीं तुम जो भी धमकी दो। हालेलुया। उसी रीति से हम लोग चौथे अध्याय में ही देखेंगे, चौथे अध्याय उसके पद 8, जिस समय उन लोगों को धमकाने के लिए कचहरी में बुलाया गया सनेडरिन के सामने, तब उस समय उन लोगों को सवाल जवाब किया गया। देखिए पतरस और जो उसके साथी हैं यूहन्ना है, वे लोग मछुआरे थे, उन लोगों को पढ़ना लिखना ढंग से आता नहीं था, और जो सैनहेड्रिन में थे वे लोग विद्वान थे, ठीक है? वहां उनका हेड महायाजक था जो व्यवस्था जानता था, उसके अलावा 70 विद्वान पुरुष वहां पर मौजूद थे जो व्यवस्था जानते थे, और वे मुख्य पदों में आसीन थे, और उनके सामने इन अनपढ़ लोगों को जवाब देने के लिए बुलाया गया, धमकाने के लिए बुलाया गया, और उनको पूछा गया कि तुमने इस लंगड़े को कैसे चंगा किया, जवाब दो मैं तुम्हें पूछता हूं। तो पतरस डरे, तब पतरस ने किया कि 8वां पद देखिए, 4:8 पद, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, और जो कुछ कहा इतनी बोल्डनेस से कहा कि सब लोग चकित हो गए, है ना? ऐसी बोल्डनेस तो हम लोग अपने स्कूल में सिखाते हैं, ये तो वहां नहीं पढ़ा था, फिर ये कैसे कर लिए? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। लेकिन पतरस तो पेंटिकॉस्ट के दिन में परिपूर्ण हुआ था? नहीं, वो दोबारा परिपूर्ण हुआ जब धमकी दी गई,
जब उसको सवाल जवाब किया गया, क्योंकि सैनहेड्रिन मौत की सजा भी देता था, है ना? वहां पर जब सवाल जवाब किया गया, पतरस डरा नहीं, लेकिन फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। डर करके हम जवाब नहीं देंगे, हम अपने परमेश्वर की तरफ से जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे। उसने इतनी बोल्डनेस के साथ में बातें की कि वे लोग चकित हो गए और क्या कहने लगे, पद 13 में देखिए, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ है। अनपढ़ साधारण ऐसा जवाब दे सकता था, जब मैं पड़ गए तो जवाब क्यों दिए, ऐसा क्यों नहीं डरे, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के बोले। फिर चेलों के पास में इसी बात का रिपोर्ट जाकर के दिया, ऐसा ऐसा हुआ, तो चेले लोग भी प्रभावित ना हो, फिर से प्रार्थना किए, फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, शरीर प्राण आत्मा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार सातवां अध्याय में देखिए, और यहां पर स्तिपनुस है, स्तिपनुस भी सैनहेड्रिन के सामने जाकर चुनौती दिया उन लोगों को कि जो मसीहा था उसको तो तुम लोगों ने मरवा डाला, मूसा का भी ऐसे तुम्हारे पूर्वजों ने विरोध किया था, यूसुफ का भी तुम्हारे पूर्वजों ने विरोध किया था, वैसे यीशु भी आया उसका तुम लोगों ने विरोध किया। लोग जल गए, है ना, उनको बड़ी चोट लगी, हम लोगों को ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने उसको मृत्युदंड की आज्ञा दी। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग 54 पद से देखते हैं, तो लिखते हैं, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, क्रोधित हो गए, परंतु स्तिपनुस डरा नहीं, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। सारे लोग पत्थर लेकर खड़े हो गए स्तिपनुस को मारने के लिए, अभी उसको मारने ही वाले थे, एक एक पत्थर उस पर पड़ने वाला था, है ना, पत्थर मारते मारते इतना पत्थर मारने वाले थे कि वहीं पर मर जाता और मर भी गया, लेकिन स्तिपनुस डरा नहीं, और वो क्या, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और उसके बाद उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और उसने देखा, पिता की महिमा को देखा और उसके दाहिने यीशु मसीह को देखा, और उसने कहा कि मैं पिता की परमेश्वर की महिमा को और उसके दाहिने यीशु मसीह को देखता हूँ। तब लोगों ने पत्थर बरसाना आरंभ किया, लेकिन वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था, स्वर्ग को खुले हुए देख रहा था, पत्थर कब आए कब उसको मार दे उसको पता ही नहीं चला। हालेलुया, वो पहला शहीद हुआ, शहीद होने से पहले वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहा और इसलिए निडर होकर उसने सामना किया। वो संसार हमारे सामने आता है, चुनौती देता है, हम लोग सामना कैसे कर सकते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। और हमारे लिए तो बकायदा निर्देश भी दिया गया है, इफिसियों की पत्री में देखिए अध्याय 5 और उसके पद 18, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और उसके पद 18 देखिए, हम लोगों को यह निर्देश है कि हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए जाए। लिखता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से तुलना कर दिया आत्मा, जिस दिन पेंटिकोस्ट था उस दिन में तुलना हो रहा था, कह दिया गया कि लोग तो शराब पी के आए हैं और बड़बड़ा रहे, हमारी भाषा में बोल रहे हैं। तो पतरस ने कहा, नहीं भाई, हम लोग शराब से नहीं मतवाले, हम लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और यहां पर इसलिए कहा, दाखरस से मतवाले ना बनो, मतलब जब लोग शराब पी लेते हैं मतवाले होने के लिए, तो शराब उनको कंट्रोल कर लेती है ना, शराब उनको जमीन में लोट पोट करा देती है, शराब उनको बक बक करा देती है, शराब उनको झगड़ा करा देती है ना, जो नॉर्मल स्थिति में नहीं बोल पाते हैं वो शराब पी करके बोल देते हैं, है ना, नॉर्मल स्थिति में तो डर जाते हैं, लेकिन शराब पी कर अरे आम पापा ऐसे। लेकिन उसी प्रकार उसने कहा कि दाखरस से मतवाले नहीं बनो, उससे तो मतवाले होने का सवाल ही नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अर्थात इस रीति से परिपूर्ण हो जाओ कि पवित्र आत्मा तुम्हें अपने कब्जे में ले, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सारी चीजों को करो, पवित्र आत्मा के द्वारा बोल्ड हो जाओ, निडर हो जाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा सामना करो, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सको। और लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, इंग्लिश में लिखा है बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट, परिपूर्ण होते जाओ। जो ग्रीक जानते हैं वे लोग कहते हैं कि इसका अनुवाद होना चाहिए बी बीइंग फिल्ड विद द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, लेकिन परिपूर्ण होते चले जाओ मतलब वो एक ही बार की स्थिति नहीं है, क्या उस समय हम हो गए थे, नहीं, ये बार बार रिपीट होने की स्थिति है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने चेलों के द्वारा क्या सीखा, उन्होंने प्रार्थना की, है ना, उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर के वचन के अनुसार और वे पवित्र आत्मा से भर गए। और उसी रीति से हम प्रार्थना कंटिन्यूअस अपनी प्रार्थना रखते हैं ताकि वो परिपूर्णता हमारे जीवन से ना चली जाए,
क्योंकि बहुत परिपूर्णता उस दिन आई है जिस दिन वो पवित्र आत्मा आया, लेकिन वो परिपूर्णता कम हो सकती है क्योंकि हम संसार से प्रभावित हो सकते हैं, लोगों से प्रभावित हो सकते हैं, न्यूज से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जब हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, हम उस परिपूर्णता को फिर से अनुभव करने पाते हैं। अब तीसरी बात है ना, पवित्र आत्मा और हमारे बीच के संबंध का तीसरा भाग जिसको आज हम लोग सीखें, और वो है, हम लोग पहले पद पढ़ें और देखेंगे दूसरा कुरिन्थ और उसका 13वां अध्याय और उसके पद 14 में वो स्थिति है आत्मा की सहभागिता, अर्थात पवित्र आत्मा की सहभागिता। यहां पर क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थ अध्याय 13 और पद 14 यह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। जब प्रेरित पौलुस ने इस चिट्ठी को लिखा, कुरिन्थ की मंडली के नाम दूसरी चिट्ठी, तब उसने आखिरी में यह वाक्य कह दिया। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। धीरे धीरे करके बाइबल हम लोगों तक पहुंच गई और उसके बाद ये जो वाक्य है ये एक ऐसा वाक्य में बदल गया जिसको हम लोग रूटीन के तौर पर बोलने लगे। जब भी सभा इकट्ठी होगी हम लोग लास्ट में इस वाक्य को बोलेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। लेकिन जब हम किसी वाक्य को याद करके बोलते हैं तो हम लोग उसके महत्व को खो देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना, हे हमारे पिता, कितना अच्छा से याद है ना, हम लोगों को इतना अच्छा याद है कि हम लोग उसको फुल स्टॉप कॉमा समेत लिख दें। अगर वैसा ही एग्जाम होता तो हम लोग उसमें 100 में 100 लाते हैं, लेकिन वैसा एग्जाम होने वाला नहीं कि हम उसको जितना एक्यूरेट सही उच्चारण के साथ बोले कि नहीं बोले, उससे नहीं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वो याद है, वो कब बोल के खत्म हो गया पता ही नहीं चला, ध्यान गया ही नहीं। उसी प्रकार इस वाक्य के साथ भी हो गया, हमने उसको इतना रट लिया है कि मुंह खोले और निकल गया वाक्य, अब क्या बोले पता ही नहीं चला। लेकिन जो बोले वो बहुत महत्व रखता था, उसमें एक हिस्सा था पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती। पौलुस ने इसको इसलिए नहीं लिखा था कि हम लोग सभा के अंतिम में इस वाक्य को बोला करें, लेकिन इसलिए लिखा था क्योंकि ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता हमारे जीवन के लिए बन जाए। और उसने कहा पवित्र आत्मा की सहभागिता, और पहले जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो मैंने इस बात को उस समय भी कहा था कि पवित्र आत्मा की सहभागिता के दो पहलू हैं। आज हम लोग दोनों पहलुओं के विषय में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसकी सहभागिता, उसका पहला पहलू यह है कि हम उसके साथ में एक आत्मा कर दिए गए, ठीक है। जब हम उसके साथ एक आत्मा कर दिए गए तो हम उसके साथ शेयर करते हैं, अर्थात हम लोग लिमिटेड हैं परंतु वो लिमिटेड नहीं है, है ना, हम सीमित हैं परंतु वह असीमित है, हम लोग कुछ शक्ति सामर्थ रखते हैं परंतु वो सर्वशक्तिमान है, हम लोग थोड़ी बहुत बुद्धि और ज्ञान रखते हैं परंतु वो सर्वज्ञानी और महाबुद्धिमान है, और हम लोग शायद सृष्टि नहीं कर सकते लेकिन वो सृष्टि करता है, उसके साथ सारी अद्भुत बातें जुड़ी हुई हैं और वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है सहभागिता। बल्कि वचन तो इस बात को भी कहता है कि उसका स्वभाव हम लोगों को दिया गया है। दूसरा पत्रस निकालिए और उसका पहला अध्याय और उसके पद 4, दूसरा पत्रस अध्याय 1 और उसके पद 4 यहां पर लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। एक्चुअली दूसरा वाक्य चल रहा था लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। मैंने पहले भी कभी इसका अर्थ आपको बताया था, उसमें था कि जो सड़ाहट संसार में होती है किसके द्वारा, बुरी अभिलाषाओं के द्वारा, उससे छुटकारा देने के लिए उसने क्या किया, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं को दिया, ठीक है, ताकि जब हम उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करें तो हमको ईश्वरीय स्वभाव की सहभागिता मिल जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सड़ाहट इस संसार में बुरी अभिलाषाओं के द्वारा होती है
उससे छुटकारा देने के लिए उसने बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं का मान्य दिया, ताकि जिनको वो प्रतिज्ञाएं मिले वे लोग ईश्वरीय स्वभाव के संभावी हो जाए। तो अब सवाल उठता है कि हमको प्रतिज्ञा मिली है कि नहीं। तो हमको मिली है, ठीक है, मिली है, अर्थात वो हमारे जीवन के लिए पूरी हो रही है। प्रतिज्ञा पुराने नियम में की गई थी, कहा गया था तब तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे, तब तुम मेरे लोग ठहरोगे। आज हम उसके बेटे बेटियां, हम लोग इंतजार नहीं करें कि एक दिन हम उसके बेटे बेटियां हो, हम इंतजार नहीं करें कि एक दिन हम उसके लोग ठहरे, हम हैं, हम उन प्रतिज्ञाओं पर खड़े। अगर आप पद के रूप में ही पढ़ना चाहते हैं, इस जगह को नोट करके रखिए, हम लोग वापस आएंगे, पद के रूप में ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको दूसरा कुरिंथ में जाकर देखना चाहिए, दूसरा कुरिंथ और उसके सातवें अध्याय और उसके एक पद से। अगर सातवां अध्याय का एक पद पढ़े तो वो छठवें अध्याय के आखिरी हिस्से से जुड़ा हुआ है, और वहां ऐसा है, पद 16 में कहता है, छठवां अध्याय का 16, कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। पद 18, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ठीक है, ये सारी प्रतिज्ञा पुराने समय में की गई थी, और कोई भी परमेश्वर को अपना पिता का कि नहीं पुकार पाता था। उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तुम, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, लेकिन लोग परमेश्वर को पिता का कि नहीं पुकार पाते थे। और जब यीशु मसीह आया, उसने कहा कि परमेश्वर मेरा पिता है, तो उन्होंने पत्थर उठा लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको पिता कहने की, है ना? तो पिता कहना वो लोग बहुत भयानक समझते थे, अरे परमेश्वर उसको पिता कैसे बोलो, लेकिन वो वादा किया। और हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति ये है, पद 1 सातवां अध्याय, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हमारी स्थिति ये है कि ये प्रतिज्ञा हमको मिली है, तो हम ये पढ़ रहे थे कि उस सड़ाहट से छूटने के लिए, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उससे छूटने के लिए उसने हमें बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी, ताकि जिनको ये प्रतिज्ञा मिले उनको ईश्वरीय स्वभाव मिल जाए, मतलब ईश्वरीय स्वभाव को शेयर करने लगे। ठीक है, हम लोग वापस जाएंगे दूसरा पत्रस, दूसरा पत्रस 14 अध्याय और उसके पहला अध्याय उसके चौथे पद, दूसरा पत्रस। हाँ, देखिए इंग्लिश में जब इसको पढ़ते हैं लिखता है कि दैट बाय दीज ये माइट बी पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर, पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव के हिस्सेदार, पार्टनर बन जाए। ठीक है, तो इसलिए कि हम लोगों को प्रतिज्ञा मिली है, हम लोगों को भी ईश्वरीय स्वभाव मिला हुआ है, हालेलुया। और ये स्वभाव या ये सहभागिता सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिला हुआ है। तो पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे, अर्थात ये सारी बातें तुम्हारे साथ होती रहे, उसका स्वभाव तुम्हारे पास में रहे। हम लोगों को स्वभाव को अलग से मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे दयालु बना, प्रभु मुझे प्रेम करने वाला बना, नहीं, दरअसल वो स्वभाव हमको सहभागिता में ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन हम नहीं जानते हैं तो हमको लगता है कि मांगना चाहिए, वो वहां पर ऑलरेडी पहले से है, बस हम सहभागिता करते हैं। वो ऐसा है कि मानो हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं, उसमें पवित्र आत्मा का भी हम जब चाहें वहां पर से हम ले सकते हैं, वो प्रेम का स्वभाव वहां पर है, वो धार्मिकता का स्वभाव वहां पर है, पवित्रता का स्वभाव वहां पर है, वो जब हम जाए हमको उपलब्ध, हमारे लिए दिया हुआ है, हम उसके सहभागी, हमसे दूर नहीं किया गया। उसी प्रकार उसकी सामर्थ और उसका जितना दान है, ठीक है, उसकी बुद्धिमत्ता और सब कुछ जो हमारे लिए संबंध रखते हैं हमारी भलाई के लिए, वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे लिए, और वो सारी बातें आत्मा में उपलब्ध है, बल्कि वो सारी आशीषें भी आत्मा में हमको उपलब्ध है। तो पवित्र आत्मा की सहभागिता में ये बातें भी आती हैं, और इन बातों को लेने के लिए, इनका इस्तेमाल करने के लिए, इनका लाभ प्राप्त करने के लिए, पहला तो होना चाहिए कि हमको उनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जब उनका ज्ञान हो गया तो उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, विश्वास के द्वारा, अंगीकार के साथ, ठीक है, हमने उसको पहले भी सीखा। अब उसकी सहभागिता का दूसरा पहलू, उसकी सहभागिता का दूसरा पहलू, और ये जो पहलू है, ये किसी मनुष्य के साथ जब हम सहभागिता करते हैं उसके समान,
अर्थात जब हम किसी के साथ सहभागिता करते हैं तो हम उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, हम उसके साथ में बातचीत करते हैं, हम अपनी बातों को शेयर करते हैं वाक्यों के द्वारा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पवित्र आत्मा के साथ उसी रीति से करें और पवित्र आत्मा उसी रीति से हमारे साथ में करें। हम पवित्र आत्मा के साथ में बातचीत करने वाला स्वभाव के हम संसार में बहुत कुछ करते रहते हैं, है ना। जब आप कुछ नहीं करते, खाली है, हो सकता है कि आप चल रहे हैं या हो सकता है कि आप यहाँ प्रार्थना सभा में आने के लिए ही निकले। तो जब आप घर से निकले और यहाँ तक आए, बीच में आपने कुछ नहीं किया ऐसा तो नहीं, या बीच में आपके मन में कुछ नहीं आया ऐसी बात तो नहीं। आपके मन में कुछ बातें आई होंगी, कुछ सोच आया होगा, तो उस सोच को हम लोग कंट्रोल करते हैं और उस सोच को हम पवित्र आत्मा की तरफ मोड़ते हैं, हम उसके साथ में बातचीत करते हैं। हम लोग सिर्फ निवेदन और प्रार्थना ये सब नहीं करते, हम उसके साथ में बातचीत करते हैं। हम जो बातें सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, ये मुझे लगता है कि ऐसा, तब उन बातों को पवित्र आत्मा के साथ शेयर करते हैं, जैसे हम लोग किसी मित्र के साथ में शेयर करते हैं। हम अपनी अपनी राय रखते हैं, हम लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मुझे लगता है कि ये उचित है, मुझे लगता है कि ऐसा। तो हम इस संसार के लोगों के साथ सिर्फ क्यों करें, हम पवित्र आत्मा के साथ करें, क्योंकि हमको ऐसा बहुत सारा अवसर मिल जाता है और अवसर नहीं मिलता है तो अवसर निकालना चाहिए। और हम अपनी बातों को कहेंगे और वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो ऐसी राय रखता हूँ, हालेलुया। और हम लोग वाकई में उसकी प्रेरणा को पाए। कहते जब पहली बार जो चर्च काउंसिल की मीटिंग हुई थी, मतलब चर्च में बहुत बार मीटिंग हुई है, तो जो शुरुआती चर्च था प्रेरितों के काम की पुस्तक में, तो उनके सामने एक समस्या आ गई, तो समस्या का निराकरण करने के लिए वो लोग मीटिंग बैठे, जितने प्रेरित लोग और जितने सेवकाई कर रहे थे सारे लोग वहां पर मीटिंग बैठे। और जब मीटिंग बैठे तो अंत में वो एक नतीजे पर पहुंचे और जो नतीजा लिखा गया उसको लिख करके उन्होंने जहां पर समस्या थी वहां पर लिख करके भेजा। तो उन्होंने क्या लिखा, देखिए यहां पर हम पढ़कर देख सकते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 15, उन्होंने उनको लिख करके भेजा। पहले तो यहां पर हम पढ़कर देखें कि जो मीटिंग हो रही थी उसको किस प्रकार से उन्होंने किया। पद 23 को देखें, 23, उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, जो भी लिख भेजा उसको हम पद 28 से पढ़ते हैं। यह लिखता है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। तो उन्होंने एक निर्णय लिखा, ठीक है। वहां पर मीटिंग में बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे फैसले हुए, वाद विवाद हुए, बहुत कुछ हुआ, और जो निर्णय लिखा गया उस निर्णय में उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा। मतलब हमने अपनी बातें पवित्र आत्मा को बताई, पवित्र आत्मा ने अपनी बातें हमको बताई और कुल मिलाकर ये उचित मालूम पड़ा। पवित्र आत्मा को ये बातें ठीक मालूम पड़ती हैं और इसलिए कि उसको ठीक मालूम पड़ती तो हमको भी ठीक मालूम पड़ती है, तो ये है वो बातें लिख करके भेज दी। तो उसी रीति से हमको भी अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ सकता है, और तब हमारे लिए भी यही स्टेप है कि जो निर्णय ले वो ये होना चाहिए, पवित्र आत्मा को और मुझे ठीक मालूम पड़ा, ठीक है। कई बार होता है कि मुझे ठीक मालूम पड़ा, पवित्र आत्मा पता नहीं या मुझे ठीक मालूम पड़ा, पवित्र आत्मा को नहीं ठीक मालूम पड़ा, और फिर हम गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम सहभागिता करते हैं, बातचीत की सहभागिता करते हैं, तो हम उस ठीक होने को, दोनों उचित मालूम पड़ रहा है वो स्थिति को भी हम प्राप्त करते हैं। जिसके साथ आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझते हैं। बाद में तो ऐसा हो जाता है कि वो आपको कुछ ना कहे तो चेहरा देख के आप समझ जाते हैं, है ना। और जिसको आप बहुत समय से जानते हैं उसको पीछे की तरफ से देख के भी पहचान लेते हैं ना, उसका पीठ दिख रहा है लेकिन आप जान के बता वही है, उसका बाल दिख रहा है सिर का उस बता दे वही है, कान दिख रहा है साइड से बता दे वही है, क्योंकि उसके साथ बहुत रह चुके हैं। लेकिन जिसको आपने एक झलक देखा होगा उसके साथ अब ऐसे नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल। तो उसी रीति से जब पवित्र आत्मा के साथ इतना संबंध हमने रखा, दिन रात जब भी फुर्सत मिल रहा है उसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातें उसको पहुंचा रहे हैं और वो अपनी बातें हमको पहुंचाएगा, तब हमको ये पहचानना आसान हो जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई बार परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं और जानने के लिए किसी और के पास में जाते हैं कि जरा मुझे बताइए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अरे आप पूछिए, है ना,
लेकिन तब मुश्किल हो जाता है कि कैसे मैं जानूं। तो जानने के लिए आप उसके साथ समय बिताइए पहले से। यदि अभी आपको निर्णय नहीं लेना है, बाद में लेना है, तो अभी से ऐसा सिचुएशन बना लीजिए कि जब आपको निर्णय लेने का हो तब आपको कंफ्यूजन ना हो, तब आप उसको देख करके ही जान जाए कि मुझे वो क्या चाहता है। क्योंकि वो जिस तरीके से बातें करता है वो हमारे बात करने के तरीके से अलग है। मैं उस पर बाद में बातें करूंगा, लेकिन जब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं तो हर बात में हम लोग अपनी बातें उसको शेयर करते हैं, वो हमारी अपनी बातों को हमसे शेयर करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा है। ठीक है, मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा है, क्योंकि मैंने सारी बातें तुमको बता दी हैं। यूहन्ना अध्याय 15 को देखिए, वहां पर उसने कहा, अध्याय 15 और उसके पद 15 लिखता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो मित्र सारी बातें बता देता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे चेले लोग मेरे मित्र हैं, मतलब मैं अपनी बातें उनको बता दूंगा। ठीक है, और हम भी कहें कि परमेश्वर मेरा मित्र है या पवित्र आत्मा मेरा मित्र है, तो हम भी अपनी बातें उसको बता देंगे। पुराने समय में अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्योंकि अब्राहम को जो करना होता था वो परमेश्वर को बताता था, और परमेश्वर को कुछ करना होता था तो अब्राहम को बताता था। अब्राहम के पास आके बोला, मैं सोच रहा हूं कि वो जो सदोम अमोरा है वहां पर आग गंधक गिरा दूं। तो परमेश्वर को अब्राहम, उसने अब्राहम को अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया, अपनी बातें उसको प्रकट कर। उसी प्रकार यहां पर हम उसके मित्र हैं, तो हम भी अपनी बातें उसको प्रकट करेंगे और उसके बदले वो भी हमें अपनी बातें प्रकट करेगा। दरअसल वो करता है, लेकिन हम ही लोग उसको समय नहीं देते या हम ही लोग उसको ध्यान नहीं देते, फिर हमको लगता है कि वो हमसे बात नहीं करता। दरअसल वो करता है। और यहां पर एक अद्भुत बात है 15वें अध्याय में, जिसको करके हम समाप्त करेंगे। यीशु मसीह कहा था, मैं दाख लेता हूं, मेरा पिता किसान और तुम डालियां, और मेरे पिता की इच्छा ये है या मेरे पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो उसने कहा, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, और मेरे पिता की इच्छा है कि तुम में बहुत सारे फल लगे। जब भी आप 15वां अध्याय पढ़े यहां, तो ध्यान रखें कि वहां दाखलता और डाली की बात हो रही। तो जो दाखलता का धड़ है मुख्य, वो यीशु मसीह है, और जो हम और आप हैं उसकी डालियां है। अब कभी भी फल लगने का समय होगा तो धड़ में फल नहीं लगेगा, फल लगेगा तो डाली में। और यीशु मसीह की इच्छा यही है कि अब वो इस संसार में नहीं है, अब वो यहां से चला गया, स्वर्ग पिता के दाहिने विराजमान है, और उसका फल पृथ्वी पर दिखाई दे। पृथ्वी के लोगों को बोल के गया है, तुम उनके फलों से पहचान लोगे, है ना। पृथ्वी के लोगों को बोल के गया है, मुझे तुम फलों से पहचान लोगे। उसका फल कहां फलेगा? हम डालियों में। तो उसके सारी भरपूरी हम डालियों में फलेगी, क्योंकि वो दाखलता हम डालियां। तो जो दाखलता में है वो डालियों में भी आएगा ना? तो दाखलता में जो स्वभाव था वो डालियों में भी आना चाहिए, और उसी को पढ़ा हमने, ईश्वरीय स्वभाव के संभाग है ना। उसमें पवित्रता थी तो डालियों में भी आना ही है, उसमें धार्मिकता थी तो डालियों में भी आना ही है, अगर उसमें स्वास्थ्य था, चंगाई थी तो डालियों में भी आना ही है, उसमें सामर्थ्य थी तो डालियों में भी आना ही है, उसमें पवित्र आत्मा था तो डालियों में भी आना ही है। और जो बातें हम कह रहे हैं कि डालियों में आना ही है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया, यीशु मसीह स्वर्ग में। हम लोग उछल के भी जाएंगे तो स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, रॉकेट से भी जाएंगे तो स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, है ना, भले चांद तक पहुंच जाए। लेकिन जो बातें स्वर्ग में, जो धड़ में है, वहां की बातें हम तक लाने वाला कोई और नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा है। क्योंकि उसकी आत्मा से भाग कर हम कहां जाए? आकाश पर चढ़ू तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां, वो सब जगह है। तो उसकी बातों को हम तक लेकर आता है। और दरअसल जो बातें यीशु मसीह में थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही थी, और वो बातें आज हमारे भीतर में दी गई। अब उसको हम उसकी सहभागिता के द्वारा आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं। और जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, हम लोग एक जय का जीवन जीते हैं, कोई हम लोगों को हरा नहीं सकता। उसने कहा कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, जो लोग जय पाते हैं उससे भी बढ़कर,
मतलब जय पाने के बाद तो पार्टी होता है, सेलिब्रेशन होता है। अब हमारे यहाँ आए ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर, है ना, पार्टी होगी, तो हम लोग उस पार्टी के लिए हैं, जयवंत से भी बढ़कर, है ना, प्रतियोगिता से बाहर निकल गए जीत करके, तो हम हारने के लिए है ही नहीं। तो इस प्रकार का जयवंत का जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसकी सहभागिता की जरूरत है, उसकी अगुवाई की जरूरत है, उसकी परिपूर्णता की जरूरत है। परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने अपने और हमारे बीच के संबंध की गहराई के लिए हमसे बातचीत की है। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारी अगुवाई करना चाहता है धर्म के पथों पर और उन मार्गों पर हमें ले चलना चाहता है जहां तूने हमारे लिए हरी घास रखी है। पिता, हम अपने शरीर को नहीं परंतु पवित्र आत्मा ही को चुनना चाहते हैं ताकि हम उस उत्तम आनंद को, उस उत्तम परिणाम को देख सकें जो हमारे जीवन में तू चाहता है। वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम, वो धीरज, वो विश्वास योग्यता और वो हर एक कुछ जो पवित्र आत्मा की सहभागिता से आता है, उसकी प्रेरणा में चलने की वजह से आता है। पिता, वो सब कुछ हम अनुभव करना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक जन की मदद कीजिए पिता कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा को जान नहीं पाए, कि वो हमारी अगुवाई किस रीति से करता है, कि वो हमसे किस रीति से बातें करता है ताकि हम उसकी अगुवाई को कभी भी इग्नोर ना करने पाए और ताकि हम हमेशा उसके साथ में चल सकें, उसकी उपस्थिति को हमेशा महसूस कर सकें और जयवंत होते चले जाएं। पिता, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर, हमारे प्राण संसार से प्रभावित होते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर दुर्बल रहे, लेकिन हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहते अपने देह प्राण आत्मा में। तुम्हारी मदद कर कि हम हमेशा उस परिपूर्णता को प्राप्त करें और इस संसार में निडरता के साथ में तेरा वचन प्रचार कर सके। शैतान और संसार की धमकियों से न डरे, चुनौतियों से न डरे, लेकिन हम जयवंत होकर के आगे बढ़ सके। पिता, हम धन्यवाद करते उस सहभागिता के लिए जो पवित्र आत्मा द्वारा तूने हमें दिया। तूने अपना सब कुछ हमारे साथ में शेयर कर दिया, तूने हमें पार्टनरशिप में रख लिया, तूने हमें पार्टनर बना लिया ताकि जो कुछ तेरा था उसको हम लाभ ले सके। पिता, अनुग्रह करके हम उस सहभागिता में मजबूत हो सके और जो बातचीत करने का संबंध है उस संबंध में आगे बढ़ सके। जो हमारे पास खाली समय है प्रभु, उस समय को हम तेरे साथ में बिता नहीं पाए तो उससे बातचीत करने में, एक मित्र के समान बर्ताव करने में और तुझे आदर देने में हम व्यतीत कर नहीं पाए। पिता, हमें से प्रत्येक जन उस गहराई में उतरते चले जाए और तेरे नाम की महिमा होती चली जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।